नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। पंजाबी नेशनल और रेडियो सुरसंगम सुनने वालों और देखने वालों को बहुत बहुत प्यार सत्कार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। पिछले कुछ सालों से हम लोग रादर मैं आपके साथ जुड़ा और कोशिश की कि आप तक जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं, जो भी ज़रूरी प्रॉब्लम्स रादर कह सकते हैं उनको हम लोग फेस कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कोई भी इवेंट्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे को एज कैलगेरियन इफ़ेक्ट करती है, वो आप तक पहुंचाऊं अपने प्रोग्राम के ज़रिए। आज हमारे साथ हमारे अपने MLA मिस्टर इरफान साबिर इस चर्चा में शामिल हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। और जो आजकल हम लोग जिस विपता से या आप कह सकते हैं जिन प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं उनके बारे में उनसे बातचीत करें और ये देखें कि आगे हमारे लिए क्या आने वाला है या क्या चेंज हो सकते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे अपने MLA कैलगरी में कॉल के मिस्टर इरफान साबिर। सर, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग जी अमृत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान सर, आपका मैं हमेशा आभारी रहता हूँ बिकॉज आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हमारे लिसनर्स के लिए टाइम निकालते हैं और आकर अपनी जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सर। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान सर, अभी कुछ टाइम से जो मसले हमारी कम्युनिटी में देखने में आए हैं वो एक बहुत बड़ी विपता के समान, और आप कह सकते हैं कि एक विपता है जो हमारे सर पे आई है। और अब विंटर्स आ गई हैं तो एक और बड़ा मसला सामने आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ हेल स्टॉर्म की जो 13 जून को कैलगरी में हुआ था और आज तक बहुत सारी ऐसी जनता है जो उससे जूझ रही है और मैं भी उनमें से एक विक्टिम हूँ। बहुत सारे पहलू इरफान सर सामने आए कि जब ऐसी कोई विपता आती है तो उसके लिए कोई प्लान नहीं है। अगर ये इंश्योरेबल एक इवेंट है उसके बावजूद हम गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, कोविड साथ में था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, बहुत सारे इफ़ेक्ट इस चीज़ को किए। आपके हिसाब से, आप भी मिनिस्टर रहे हैं अपने प्रीवियस गवर्नमेंट में और अब आप MLA हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या हो सकता है आगे? गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं या जिस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के लिए क्या कर सकते हैं? अमृत जी, सबसे पहली बात यह है, जिस तरह आपने कहा कि हम एक ग्लोबल पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। लोगों के जॉब्स, लोगों की लाइव्स, लोगों के लाइवलीहुड्स, जी सब उससे इम्पैक्ट हुए। जी ठीक है। और फिर ऐसे समय में हेल स्टॉर्म भी होता है। जी। और हेल स्टॉर्म भी कोई छोटा मोटा हेल स्टॉर्म नहीं है, 1.5 बिलियन डॉलर का इंश्योर डैमेज। जी जी। कैनेडा का फोर्थ कॉस्टलीस्ट डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर है। जी। अल्बर्टा का द मोस्ट कॉस्टलीस्ट नेचुरल डिजास्टर है। जी। और फिर हम देखते हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से जी 8 मिलियन लोग जो है ना वो कैनेडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट ले रहे हैं सर्ब की शक्ल में। जी। हजारों के हिसाब से बिजनेसेस जो हैं वो वेज सब्सिडी और जो वो $40,000 लोन्स, इन चीज़ों को लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं। जी ठीक है। जी। तो अगर कोई आम हालात होते तो शायद चीज़ें डिफरेंट भी होती। जी। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जी मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि गवर्नमेंट इन लोगों की हेल्प के लिए आई। जी। और गवर्नमेंट को जब भी हमने कहा हेल्प के लिए जी, तो गवर्नमेंट आगे से, इवन के प्रीमियर, उनके ये अल्फाज हैं कि प्राविंस सब की इंश्योरेंस कंपनी नहीं बन सकती। हालांकि कोई भी प्राविंस को ये नहीं कह रहा था कि वो सब की जगह इंश्योरेंस आके पे करें। जी।
जिनके पास इंश्योरेंस भी है, आपने कहा आप भी मुतासर हुए, मैं भी मुतासर हुआ, जी इवन जिनके पास इंश्योरेंस है जी उनके क्लेम प्रोसेस करने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, ठीक है, उनके क्लेम प्रोसेस नहीं हो रहे, जिनके क्लेम प्रोसेस हो रहे उनकी कंस्ट्रक्शन रिपेयर वो शुरू नहीं हो रही, जी ठीक, जी बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिनमें गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करने की ज़रूरत थी कि वो रेजिडेंट्स की बिहाफ पे लोगों के फेयर कवरेज के लिए, लोगों की टाइमली इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के लिए कोशिश करती, लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोशिश कोई नहीं की, कोई कोशिश किसी किस्म की नहीं की, जी ठीक जी है। जी और पिछले हफ्ते मेयर नाइन एन शी काउंसलर चाहल और दो काउंसलर और तीन काउंसलर और वो भी आए हुए थे देखने के लिए जी नुकसान, जी अभी तक लोगों के घर उसी तरह पड़े हुए हैं, जी लोग अभी तक बाज़ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस हो, जी जिनका क्लेम प्रोसेस हो गया वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन वाला मिले जिससे वो रिपेयर शुरू करवा सकें, जी और अब ऊपर से बर्फबारी भी शुरू हो गई, जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही परेशानी की बात है लोगों के लिए। जी तो अब भी हमारा मानना यही है कि गवर्नमेंट को इकदाम करने चाहिए ताकि लोग मज़ीद मुश्किल से बच सकें, उनके घर रिपेयर हो सकें। और इरफान सर, अगर आप देखें कि बर्फ़ की वजह से जो नुकसान पहले हो गया है वो तो हो ही गया है, और अब जब बर्फ़ गिर रही है, स्नो शुरू हो गई है, तो फर्दर डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि घर यहाँ पर लकड़ी के हैं, एक्सपोज्ड हैं, और उससे घर के स्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जो कि ये इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देख रही हैं। सर्टनली सर्टनली मैंने बहुत सारे लोगों से ये कंसर्न्स भी सुने, और अब भी लोगों की खिड़कियों पे वो लकड़ियाँ लगी हुई हैं सर, बिल्कुल मेरे घर पे खुद ऐसा सेम है, बोर्ड लगे हुए हैं, जी मतलब बहुत सारे घर हैं, जी ठीक है। न सिर्फ ये कि अब उनके लिए मतलब वो परेशानी की बात है कि आप अगर अपने सिटिंग रूम में बैठे हैं आपकी विंडो पे लकड़ी लगी हुई है, जी बेसिकली लाइट भी नहीं आ रही, आपकी हीटिंग के बिल शेल वो इम्पैक्ट होंगे, बिल्कुल आपकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये एक इंश्योरेबल डिज़ास्टर है, एग्रीड, लेकिन उसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत हद तक मैनिपुलेट किया, बहुत हद तक लोगों को परेशान किया, और अभी भी परेशान लोग हैं। पहला कौन सा ये समझ में आया कि जी हमारे पास मैन पावर नहीं है, मैं अपना पर्सनल आपसे जो मेरा रापता हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, मैं वो आपसे आपसे बता रहा हूँ, मुझे मालूम है मैंने कितने फ़ोन, कितनी ईमेल्स और कितने ही यू नो उनको लेटर्स लिखे कि भाई प्लीज़ प्लीज़ किसी को भेज दो। 13 जून को ये डिज़ास्टर हुआ था और मेरा जो घर है उसको देखने के लिए जो इंश्योरेंस से बंदा आया था वो एंड ऑफ जुलाई आया था, उसके बाद भी वो लोग गायब हो गए, कोई उनसे रापता नहीं, हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। उसके बाद आप उनको एक क्लेम भेजें जिसमें वो अपने आप से डेप्रिसिएशन डाल के एक अमाउंट लेके आते हैं, आई डोंट नो वो कैसे लेके आते हैं, और आपको एक ऑफ़र दे देते हैं कि जी आप या तो ये पैसा ले लीजिए या फिर ये सब काम हम अपने एक वेंडर से कराएंगे। अब जो उनका जो वेंडर है वो आप उनसे बात करें तो उनके पास टाइम ही नहीं है, वो आपको दिसंबर जनवरी से पहले कुछ बात करने की ठीक करने की आपको डेट ही नहीं दे रहे हैं। दूसरा, रेस्टोरेशन प्रोसेस उनका बहुत स्लो है, मेरे वॉशरूम में पानी आ गया एंड दे सेड आपके घर में हम 2 दिन बाद आएंगे। मेरा ये सब आपसे कहने का ये एक मकसद है कि जो भी गवर्नमेंट है और जो भी इसको सुन रहा है, एटलीस्ट वो ये लेके चले कि एटलीस्ट इन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी कोई नॉर्म्स होने चाहिए, कोई पॉलिसीज होनी चाहिए, सो दैट दे कैन हेल्प द पर्सन इन नीड एट द राइट टाइम। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और सर्टनली मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं आप, और ये खाली आपकी नहीं बल्कि ये घर घर की कहानी है जी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जी बिल्कुल, मतलब हर रोज़ मुझे ये सुनने को मिलता है, और इसीलिए हम अब भी गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिल के काम करें, जी ठीक है जी, और मेक श्योर करें जी कि लोगों के घर मज़ीद डैमेज से बचें, उनके घर जल्द से जल्द रिपेयर हो सकें जी। और 20 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है जी लेजिस्लेचर का जी, और मैं यही कह सकता हूँ आपसे कि मैं एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से ये जो डिमांड्स हैं ये गवर्नमेंट के सामने दोबारा भी रखूँगा। थैंक यू सो मच सर, और मेरे ख्याल से ये सब लोग जानते हैं
और मानते हैं कि अगर हमारा ऑपोजिशन स्ट्रांग होता है, ये नहीं कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अच्छे काम करने के लिए, अच्छी तरह से काम करने के लिए, आई थिंक एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है. और दैट्स वॉट राइट नाउ मिस्टर इरफान साहब इज़ डूइंग फॉर अस. दैट्स अमेजिंग इरफान सर. और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अभी दो तीन पॉलिसीज़ और प्लान्स आपके जो पार्टी है उन्होंने प्रेजेंट किए हैं कैलगेरियंस के आगे, अल्बर्टा के आगे, दैट वाज फ्यूचर इकोनॉमिक प्लान, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़. अमर जी, इसका पसे मंज़र ये है जी कि अप्रैल 2019 में जब ये गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, जी तो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई जॉब्स, इकोनॉमी और पाइपलाइंस के नाम पे, जी ठीक है? और गवर्नमेंट ने आते ही जो टैक्स रेट था उसको 4% के कट का ऐलान किया, जी ठीक है? वो तकरीबन 4.7 बिलियन डॉलर्स की ब्रेक बनती है, जी जो इन्होंने कॉरपोरेट हैंडआउट की शक्ल में जो यहाँ की टॉप कॉरपोरेशंस हैं उनको दिया. जी उसके नतीजे में जो रिजल्ट सामने आए वो ये थे कि एनकेना, जो 50 मिलियन के लगभग उस ब्रेक से बेनिफिट कर रहा था, जी उन्होंने यहाँ से रोल अप करके बाहर स्टेट चले गए, स्टेट में शेयर लिया. चले गए. जी हस्की ने 232 या कुछ इस तरह मिलियन डॉलर उससे बेनिफिट किया, और उन्होंने 371 आदमी तो सिर्फ कैलगरी में ले ऑफ किए. टीसी एनर्जी ने उसके अलावा 7.5 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट की सपोर्ट भी ली कीस्टोन एक्सेल के लिए, जी उन्होंने भी कैलगरी में ले ऑफ्स की. जी सनकोर ने 1.1 बिलियन डॉलर उससे बेनिफिट किया, उन्होंने 15% वर्कफोर्स वो ले ऑफ करने का ऐलान कर ऐलान किया. रखा, जी ठीक है? इसके अलावा कैलगरी के जो डाउनटाउन है उसमें 30% वेकेंसी रेट है कि बिल्डिंगें खाली खाली हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही खाली कह रहे हैं, खाली बिल्कुल खाली पड़ी पड़ी हुई हैं. हैं, जी ठीक है? बिल्कुल लोग परेशान हैं, जी मॉर्गेज डिफरल अल्बर्टा में सबसे ज़्यादा है, जी मतलब जो मॉर्गेज डिफरल का बिल्कुल प्रोग्राम था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? और पेंडेमिक से पहले 50,000 जॉब यहाँ पे लॉस हुई है. जी ये मैं पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा, निम पेंडेमिक से से पहले. पहले की बात जी कर जी रहा. जी पेंडेमिक से पहले इस गवर्नमेंट का जो डेफिसिट था जी वो हमारे किसी भी डेफिसिट से ज़्यादा था जो हमने प्रोजेक्ट किया हुआ था, उसका डबल था, 12 बिलियन डॉलर, जो जी अब 24 पे है. जी ये सब कुछ पेंडेमिक से पहले हुआ है जी गवर्नमेंट की फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, जी ठीक है? जी पाइपलाइन जो इस वक्त प्ले में है वो सिर्फ किंडर मॉर्गन है, और उसके ऊपर काम जो है जब रेचल नाटली प्रीमियर थी उन्होंने किया है, इनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. ये पहले 44 साल यहाँ पे रहे, 10 साल फेडरल गवर्नमेंट में रहे, कोई पाइपलाइन उन्होंने नहीं बनाई, जीरो पाइपलाइन, ठीक है? जी इकोनॉमी की हालत यह है कि 24.2 बिलियन डॉलर अब डेफिसिट है, जी ठीक है? इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, जी लोग अल्बर्टा से मायूस होते जा रहे हैं, कैलगरी में जॉब्स क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और जी प्रीमियर ने खुद भी एडमिट किया है कि जॉब क्राइसिस है अल्बर्टा के अंदर. जी ये जो क्राइसिस है ना, ये इस गवर्नमेंट का भी पैदा किया हुआ है, पेंडेमिक का इसमें हिस्सा ज़रूर है, जी लेकिन ये क्राइसिस पेंडेमिक से पहले भी था जब 50,000 जॉब नुकसान हो गई और थी. पेंडेमिक ने इस पे और ऐड कर दिया. पेंडेमिक ने इसको मज़ीद ऐड किया है. जी और पेंडेमिक के दौरान अगर इनकी पॉलिसीज़ देखें तो इन्होंने इमरजेंसी बेनिफिट के अंदर सिर्फ 100 मिलियन डॉलर दिया है अल्बर्टन्स को, जी सिर्फ 100 मिलियन डॉलर का प्रोग्राम था वो जो इमरजेंसी बेनिफिट, बेनिफिट था. जी ठीक है? सर्ब में कितना आया? 10 बिलियन डॉलर, जी 10 बिलियन डॉलर. जी वेज सब्सिडी में अल्बर्टा में कितना आया? 11 बिलियन डॉलर. ये इनकी अपनी जो नंबर्स हैं. नंबर फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट थी जी उसमें ये नंबर शामिल थे. जी 21 बिलियन डॉलर फेडरल गवर्नमेंट से आया है, जी और 100 मिलियन इन्होंने दिया अल्बर्टन्स को. जी एसेंशली अब भी ये उठेंगे ना तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सुबह से शाम तक फेडरल गवर्नमेंट पे ये इल्जाम इल्ज़ाम लगाएंगे लगाएंगे. कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. और जो हमारे हमारे इश्यूज़ हैं ना, जी हेल्थ केयर का इश्यू है, जी ठीक है? जी डॉक्टरों को ये बुली कर रहे हैं, जी ठीक है? उनको 11,000 को फायर ये कर रहे हैं, जी टीचरों को ये फायर कर रहे हैं, स्कूलों में COVID-19 फैल रहा है, हमारे सोशल सर्विसेज को कट ये लगा रहे हैं, हमारे जितने इश्यू हैं वो इस गवर्नमेंट के पैदा किए होंगे, जी जी ठीक है? जी तो इन हालात के अंदर
बहुत सारे अल्बर्टन्स ने हमें रीच आउट भी किया, जी बहुत सारे अल्बर्टन्स को हमने रीच आउट किया, और उनकी जो सजेशन थी वो ये थी कि अपोजिशन चीज़ें प्रपोज भी करें। जी तो उस फीडबैक की बुनियाद पे हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है albertafutures.ca के नाम से, जिस पे आप कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है जी कन्वर्सेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, और तमाम अल्बर्टन, और वो हमारी पार्टी से हैं या नहीं है, हम बाकी अल्बर्टन्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो इन कन्वर्सेशंस का हिस्सा बने। और उसी प्लेटफॉर्म से हमने कल जो पहला प्रपोजल रिलीज़ किया है जी, वो हाइड्रोजन स्ट्रेटजी है। ओके, हाइड्रोजन स्ट्रेटजी ये है कि अल्बर्टा में नेचुरल गैस अबंडेंस में है जी, ठीक है, और अगर हम उस पर काम करें जी, उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करें, उसका पोटेंशियल, उसको प्रॉपरली उसमें इन्वेस्ट करें, टैक्स क्रेडिट्स इन उसमें लोगों को दें, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें, तो उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कनाडा के लिए ऑलमोस्ट $100 बिलियन का पोटेंशियल है, और अल्बर्टा उसमें लीडर हो सकता है, इसलिए कि अल्बर्टा के पास नेचुरल गैस बहुत अबंडेंस में मौजूद है। इन्होंने 2 वीक पहले एक पेपर, पॉलिसी पेपर दिया था, जिसमें कोई चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी, बल्कि इनका अपना स्पोक्स पर्सन बाद में कह रहा था कि वो विल प्लान समथिंग लेटर जी, हाउ टू डिवेल्प हाइड्रोजन, और इनका प्लान है 2040 तक जी, कि 2040 में जाके ये कहीं ऑपरेशनल होगा, जबकि हम ये कह रहे हैं कि आप आज इस पर फोकस करें ताकि जॉब्स जो आज चाहिए वो आज क्रिएट हों, इन्वेस्टमेंट जो आनी है वो आ जाए, ताकि अल्बर्टन्स इस क्राइसिस के अंदर से वो निकल सकें। लेकिन इनके नज़दीक 3-4 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि डिवर्सिफिकेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, वो इनका फोकस ही नहीं था। बट इरफान सर, आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी फील्ड है जो हमारे प्रोविंस में काफ़ी टाइम से होगी, तो इसको पहले क्यों नहीं एक्सप्लोर किया गया? वाई जब ये ऐसा क्राइसिस आया है या ऐसी प्रॉब्लम आई है तभी इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब हमारा प्रोविंस ऑलरेडी बूम पे था, जब ऑलरेडी हम ऑयल फील्ड्स की बात करते थे, ऑयल की बात करते थे, साइड बाई साइड क्यों इस तरह से नहीं हुआ? इवन NDP भी लास्ट 4 ईयर में रही है, इसको क्यों नहीं ऊपर लाया गया पहले? NDP की भी मैं बात करता हूँ, पहले ये लोग रहे हैं 44 ईयर्स जी, बिल्कुल मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि अगर ये पहले थे, इन्होंने नहीं किया, ओके फाइन एग्रीड, लेकिन अगर आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो हम पिछले 4 साल से वहाँ थे, तो हमने इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? 44 ईयर्स तक ये लोग रहे हैं गवर्नमेंट में जी, और 44 ईयर्स में इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ये रही है कि बस दुआ करो ऑयल की कीमत 90-100 तक जाए, और फिर दुआ करते रहो कि ये कभी नीचे ना, ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है। और जब हम गवर्नमेंट में आए, बहुत सारे इश्यूज मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें इनकी ख़राब की हुई हमारे सामने मौजूद थी, जिन पे काम करना था जी। और सर्टनली हमने डिवर्सिफिकेशन को लेके जी बहुत सारा काम किया जी, हमने पेट्रोकेमिकल डिवर्सिफिकेशन प्रोग्राम वो शुरू किए थे, और जो यहाँ पे हमारे रॉ रिसोर्सेज को अपग्रेड करके वैल्यू ऐड क्रिएट कर रहे थे अल्बर्टा के लिए जी, हमने बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव वो शुरू किए थे, रॉयल्टी क्रेडिट्स की शक्ल में नए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए वो प्रोग्राम शुरू किए थे, फिर अल्बर्टा इनोवेट्स के साथ मिलके अल्बर्टा की इकॉनमी को डिवर्सिफाई करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए थे जी, ठीक है, बहुत सारा काम सर्टनली करने वाला बाकी था जी। और फिर जब ये आए, तो इन्होंने पहला काम ये किया है कि इन्होंने $1.5 बिलियन के जो डिवर्सिफिकेशन के प्रोग्राम थे ना, वो काटे। ओके, इसलिए कि इनका फोकस सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पे रह गया था, वो इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है जी, लेकिन अल्बर्टा को उसके साथ कोई चाहिए कि इकॉनमी जो ऑयल एंड गैस प्लस समथिंग, ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल पोटेंशियल है हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, हमारे टूरिज्म के अंदर, अदर जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए और उसको भी ऊपर लेके आना चाहिए हमारे टैक्स सेक्टर के अंदर जी, ठीक है। टैक्स सेक्टर इनके आने के बाद लोग यहाँ से बाहर मूव हुए, इसलिए कि इन्होंने वो इंसेंटिव्स काटे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मौजूद था पोटेंशियल, मौजूद था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। पिछले दिनों अल्बर्टा यूनिवर्सिटी या अल्बर्टा एडमिंटन से नोबल इनाम मिला है अल्थ का जी, जी, एक जी, प्रोफेसर साहब ने शेयर किया, ठीक है,
मतलब रिसर्च में हम लोग आगे थे, जी इन्होंने आते ही यूनिवर्सिटियों को कट लगा रहे हैं, एजुकेशन को कट लगा रहे हैं, सोशल सर्विसेज को कट लगा रहे हैं, हर तरफ ये कट लगा रहे हैं। जो बोझ है वो आम आदमी पे है, म्यूनसिपैलिटीज़ को कट लगा रहे हैं, उनको बुली कर रहे हैं। कल फ्राइडे को जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं उन्होंने ईएमएस का डिस्पैच, बावजूद मेयर मैं आपसे नैन्सी वही के बात करना चाहता हूँ जी, ऑब्जेक्शन के, बावजूद लेथब्रिज मेयर के ऑब्जेक्शन के, एडमिंटन के ऑब्जेक्शन के, रेडियर के ऑब्जेक्शन के, उन्होंने वो सेंट्रलाइज कर दिया बगैर इनसे पूछे। पूछे ठीक है, तो इस तरह तो जाहिर है निज़ाम नहीं चलता। ये तो अल्बर्टन्स की भलाई का कुछ भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है सर कि इस समय जो हालात हैं वो काफ़ी पैनिक वाले हैं। मेन चीज़ इन सब चीज़ों का एक जो मिला जुला इफ़ेक्ट है वो जाता है पब्लिक पे, आम जनता पे, और आम जनता का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, अपना जो भी उनका मत है वो डेफिनेटली आगे लेकर आएं। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू टेक इनिशिएटिव वेयर वी कैन से वॉट वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसे तो लोग कहेंगे कि ठीक है जी, मेरे को आप इतना पैसा दे दो या मेरी हेल्प कर दो। एग्रीड, एवरीबडी वॉन्ट्स दैट इन दिस क्राइसिस, बट हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपने अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद रखना है, और ये कोशिश करनी है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुना है उनसे सवाल करें, उनसे हम लोग राबता करें, निरंतर उन लोगों से बातचीत करते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने लेके आते रहें। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, ये आपकी आवाज़ है, इट्स योर वॉइस, यू हैव टू रेज योर वॉइस एंड कम टू दैट लेवल वेयर पीपल कैन लिसन टू यू एंड दे गिव यू आंसर्स कि ऐसा क्यों हो रहा है। इरफान साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, आप डेप्टी हाउस लीडर फॉर क्रिटिक एंड जस्टिस एंड सोलिसिटर जनरल आपको अपॉइंट किया गया है। इसके लिए आप थोड़ा बताएंगे अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस अहदे के अंदर सर? जो क्रिटिक्स के रोल्स होते हैं वो, या शैडो मिनिस्टर या क्रिटिक, जी वो यही होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके मेक श्योर करते हैं कि आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखें, उन पे चेक एंड बैलेंस रखें, वो जो काम कर रहे हैं जी उस पे नज़र रखें, और आवाम का जो व्यू पॉइंट है, जो अपोजिशन की तरफ से व्यू पॉइंट है, लोगों का जो व्यू पॉइंट है, वो आप सामने सामने लेके आए ले के आ सकें। जी ये क्रिटिक का रोल है। तकरीबन तमाम एमएलएज़ की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने किस एरिया में नज़र रखनी है। क्या बात है ठीक। सर, दूसरी जो हाउस, डिप्टी हाउस लीडर, हाउस की एक टीम होती है लेजिस्लेचर की, अपोजिशन की तरफ से, जी उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो लीडर के डायरेक्शंस को लेके, लीडर के साथ मिलके जो हाउस के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर जो उमूर हैं के सेशन जो चल रहा है उसमें अपोजिशन की तरफ से किन चीज़ों पे ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, बिल्स जो पास हो रहे हैं उनमें किन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। जी ठीक है, मेक श्योर करना कि अब अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली अपोजिशन का व्यू पॉइंट, आवाम का व्यू पॉइंट जी आगे लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से अकाउंटेबल ठहराना अल्बर्टन के लिए, क्या बात है और जो आम लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। जी तो आप उस टीम का हिस्सा होते हैं जो गवर्नमेंट अपोजिशन की तरफ से इन सारी चीज़ों को प्लान करके स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ाती है। बेसिकली आप चेक रखते हैं कि लोग सही तरह से काम कर रहे हैं कि है तो अपोजिशन का जॉब यही है, अपोजिशन की जॉब ये है कि वो ये देखे कि गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही है, आवाम को अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, नहीं है। और उसमें ये बस मुख्तलिफ आप कह सकते हैं जिम्मेदारियाँ हैं कि जो काकस की टीम एक दूसरे के साथ वो शेयर करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, एक दूसरे में बांट के इन जिम्मेदारियों को पूरी करती है। क्या बात है सर। इरफान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम आपने निकाला, और इस आप इतने मसरूफ़ रहते हैं उसके बावजूद आप हमेशा हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए टाइम निकाल के जो एक
थिंग्स मैं कह सकता हूँ जो हो रही हैं उनको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज अगेन सोशल मीडिया पे पढ़ लेना या न्यूज़पेपर में पढ़ लेना एक अलग बात होती है, लेकिन जब उसको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए लोगों तक वो बात और बढ़िया तरीके से पहुँचती है। बहुत सारे हमारे आवाम ऐसे हैं, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन उन तक जो सही बात है वो नहीं पहुँच पाती है। एंड आई एम वेरी श्योर जो भी हमें आज सुन रहे हैं और हमें हमेशा इतना प्यार करते हैं वो हमारे दर्शक हमारे लिसनर्स इस चीज़ को बहुत सराहेंगे। उन सब की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा एक फ़र्ज़ अब निभा रहे हैं फॉर बींग अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन विच कीप्स अ मार्क ऑन द गवर्नमेंट सो दैट दे कीप ऑन वर्किंग इन अ वेरी इफेक्टिव वे विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द कैलगेरियंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी सर। अमित जी आपका बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें जाने से पहले, एक तो सब सुनने वालों को देखने वालों को कि albertafuture.ca वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, और अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं अल्बर्टा की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, सूबे को बेहतर बनाने के लिए, तो उसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या बात। उसमें प्रायोरिटी ये है कि हम जॉब्स पे फोकस रखें, हम इस चीज़ पे फोकस रखें कि जॉब्स सबके लिए, हम डिवर्सिफिकेशन पे फोकस रखें, हम गवर्नमेंट के बेहतर रोल पे फोकस रखें, और हम ये चीज़ों को कट लगाने से तरक्की की तरफ नहीं जा सकते, उससे इज्तनाब करें। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी अगर कोई भी सुजेशन है तो आप albertafuture.ca पे जाके वो शेयर कर सकते हैं। दूसरा, 20 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से जी, तो आपकी अगर कोई भी कंसर्न्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि अपोजिशन की तरफ से हम रिप्रेजेंट करें, तो आप मुझे 403-216-5424 या calgary.mccall@assembly.ab.ca पे रब्ता कर सकते हैं। सुनने का बेहद शुक्रिया अमृत जी, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू इरफान सर, मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।